हेलो गाइस, आई एम मेघा जैन और मैं स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल पे सेम इन्फॉर्मेशन हब पे। जैसा कि आज आप मुझे देख ही रहे होंगे कि मैं एक पेड़ के पीछे हूँ। अब मैं बता देती हूँ कि ये पेड़ किस चीज़ का पेड़ है। आप देख ही रहे होंगे, ये है अमरूद का पेड़। आप देख रहे होंगे इस पे छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए हैं और ये अमरूद की पत्तियाँ हैं। अगर मैं आपको आज अमरूद की पत्तियों के फ़ायदे बता दूँ तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू। अमरूद की पत्तियाँ एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, जो त्वचा, बाल और स्वास्थ्य के लिए अमरूद की पत्तियों का रस या फिर अमरूद की पत्तियों को खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपने देखा ही होगा कि अमरूद खाने के तो अपने आप में ही बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन अमरूद की पत्तियां अमरूद से भी ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि अमरूद की पत्तियों के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर की काफ़ी चीज़ें ठीक करती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये एक रामबाण औषधि है। चलिए अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है अमरूद की पत्तियों के बारे में। टॉपिक नंबर 1, आपको मुंह की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए अमरूद की पत्तियां रामबाण औषधि होती है। अगर आपको मुंह में स्मेल आने की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपके मुंह में से दुर्गंध आती है, तो उसके लिए आप हमेशा सुबह को उठ के 2 पत्तियां खा लिया करें। उससे आपके कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। आपको अगर गम्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो गम्स की प्रॉब्लम अमरूद की पत्तियों से दूर हो जाती है। देखिए, किसी किसी को क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके मसूड़े जल्दी फूलने लगते हैं, और किसी किसी को दांतों में, आपने कभी देखा होगा कि कोई एक दांत ऐसा होता है कि हमें वो प्रॉब्लम करने लगता है, लेकिन अगर अमरूद की पत्तियों का हम नित्य प्रतिदिन सेवन करेंगे तो हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। यानी कि पूरे माउथ की प्रॉब्लम के लिए अमरूद की पत्तियाँ एक रामबाण औषधि है। आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके मुँह में छाले हो जाते हैं, छाले बहुत अत्यंत पीड़ादायक समस्या होती है। जब छाले हमारे अपने प्रचंड रूप में आ जाते हैं तो हम पानी पीने में भी असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन अमरूद की पत्तियों से अगर आप उस चीज़ का इलाज करेंगे तो आपकी ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ कि क्या हम ऐसा इलाज करें कि अमरूद की पत्तियों से हमारा वो ख़त्म हो जाए। देखिए, अमरूद की 4 से 5 पत्तियाँ आप ले लें और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको वो पत्तियाँ लेनी है। आपको अमरूद की कच्ची पत्तियाँ लेनी है और उन पत्तियों को इस तरीके से करके, ये जो आप उसका बीच का हिस्सा देख रहे हैं, यानी कि जो लाइन होती है, ये आपको हटा देनी है। ये लाइन आपको हटा देनी है और आपको कुछ इस तरीके से ये पत्ती मिलेगी। ये पत्ती आपको 3 से 4 पत्तियाँ लेनी है। इस पत्ती को पीस के इसका रस निकाल लेना है। फिर आपको बाहर से कत्था मंगवा के कत्थे में ये मिला लेना है, और छालों से जितना भी प्रभावी हिस्सा है उसको उस जगह लगा के आपको नीचे लार टपकानी है। आप यकीन मानिए कि आपकी ये समस्या 1 या 2 दिन में ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब ये बात होती है कि मुंह के लिए, मतलब माउथ फ्रेशनर के लिए हम क्या करें। पूरे मुंह की जितनी भी कोई भी समस्या है सबके लिए ये एक रामबाण औषधि है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर फेस पे आपके पिंपल्स निकल जाएं तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम इन पत्तियों का कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अमरूद की पत्तियों में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे फेस की या फिर मतलब त्वचा की कुछ भी जो बैक्टीरिया पनपते हैं उन बैक्टीरिया को नष्ट करने में ये अपना बहुत अच्छा इलाज साबित होता है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपके फेस पर पिंपल्स निकल जाएँ या त्वचा रोग हो जाए तो आप इसका किस तरीके से यूज़ करें। देखिए, आप ये पत्तियाँ लीजिए, इन पत्तियों को आप पीस लीजिए, पीस के इनका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद जहाँ पे भी आपको पिंपल्स हैं वहाँ पर जब तक लगाइए जब तक आपके पिंपल्स ख़त्म नहीं होते हैं। आप देखेंगे आपको कुछ ही दिन में पिंपल्स बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और वो पिंपल्स वापस भी उस जगह नहीं लौट के आएंगे। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि मॉइस्चर की वजह से हमें त्वचा रोग बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, और उन त्वचा रोग पे जब हमें खुजली भी होने लगती है तो वो चीज़ असहनीय हो जाती है और खुजली की वजह से हमारा रोग बढ़ता चला जाता है अगर हम उसका समय पर इलाज नहीं करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आप इसका यूज़ कैसे करें। इसका रस निकालने के बाद उस प्रभावी क्षेत्र पे आप लगाइए जब तक आपकी खुजली ख़त्म नहीं हो जाती।
जब आपकी वो खुजली ख़त्म हो जाएगी तब आप उसको बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी खुजली, दाद सब जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और आपकी त्वचा पहले की तरह बिल्कुल चमकने लगेगी। डायबिटीज़ पेशेंट किस तरीके से, अमरूद का फल बहुत फ़ायदेमंद होता है, यानी कि इसमें किसी तरीके की ऐसी चीज़ नहीं होती जो डायबिटीज़ पेशेंट को नुकसान देगी। अमरूद आराम से आप डायबिटीज़ पेशेंट खा सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को ख़त्म करने तक के इसके अंदर बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं। आप अगर सुबह सुबह उठ के 3 या 4 पत्तियां अमरूद की चबा लेते हैं और उसके तुरंत बाद मतलब उसके 1 घंटे तक आप कुछ नहीं खाते हैं और ये अगर आप डेली करते हैं तो आपकी शुगर, आप देखेंगे आपकी शुगर कंट्रोल में भी रहेगी और कंट्रोल में रहने के साथ साथ ये भी पाया जा सकता है कि आपकी शुगर ख़त्म भी हो सकती है, बशर्ते आप जो मैंने बोला है वो अगर फॉलो करें तो। जब आपको डेंगू बुखार हो जाता है, डेंगू बुखार एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, यानी कि जब ये बुखार हो जाता है तो इसमें आपकी प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होने लगती है और आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट को उठने बैठने खाने पीने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ तक कि हमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। लेकिन मैं आपको अमरूद की पत्तियों का बहुत अच्छा यूज़ बताऊँगी कि आप उस टाइम पर क्या करें कि आपका डेंगू बुखार के दौरान प्लेटलेट्स घटे नहीं, प्लेटलेट्स अपने लेवल पे आने लग जाए। देखिए अमरूद की 9 पत्तियाँ ले लीजिए, 9 पत्तियों को 5 कप पानी में उबालिए, 5 कप पानी में जब तक उबालते रहिए जब तक कि वो 5 कप पानी 3 कप पानी में कन्वर्ट ना हो जाए। जब वो 3 कप पानी रह जाए तो आपको एक दिन में 3 बार उसको 1-1 कप पानी देना है। आपको ये प्रोसेस कुछ दिन तक करते रहना है जब तक कि रोगी की प्लेटलेट्स अपने लेवल पर ना आ जाए। शरीर का वजन कम करने में भी अमरूद की पत्तियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं बताती हूँ कि वो किस तरीके से है। अमरूद की पत्तियाँ हमारे शरीर के जटिल स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने से रोकता है, यानी कि इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो इस चीज़ को रोकता है। अब मैं बात करती हूँ कि हम किस तरीके से इसका सेवन करें कि हमारे ये मोटापे में भी फ़ायदा करें। देखिए आप इसकी पत्तियों का रस निकाल के सुबह सुबह खाली पेट लें और ये आप ट्वाइस इन अ डे भी कर सकते हैं। अगर आप ये फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि अमरूद की पत्तियों का रस आप नहीं ले सकते, तो मैं इसके अलावा भी एक आपको बताती हूँ जिसकी वजह से भी आपका मोटापा रुक सकता है। देखिए आप अमरूद की पत्तियों को लेके उसका एक चूर्ण बना लीजिए, यानी कि इसकी पत्तियों को सुखा के उसका चूर्ण बना लीजिए। उस चूर्ण को आप ट्वाइस इन अ डे लीजिए, 1-1 चम्मच आपको लेना है और ये आपको कुछ दिन तक फॉलो करना है जब तक कि आपको लगे कि आपका 5 से 10 किलो वज़न नहीं कम हो गया है। ये औषधि इतनी कारगर है कि अगर आप यूज़ करेंगे तो आप 100% देखेंगे कि आपका मोटापा कितना कंट्रोल में आ गया है। अब बात करते हैं कि जब हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं तो डार्क सर्कल में भी अमरूद की पत्तियों का हम सेवन कैसे करें। डार्क सर्कल में आप क्या कीजिए, अमरूद की कुछ पत्तियों का रस निकाल लीजिए, उस रस को अपने डार्क सर्कल पर लगाइए, आप देखेंगे कि आपके डार्क सर्कल कुछ ही दिन में बहुत कम हो गए हैं। देखिए हृदय स्वास्थ्य के लिए कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा आपके लिए खतरा साबित हो सकती है। अमरूद की पत्तियों में इतने अच्छे गुण पाए गए हैं कि इससे अगर आप इससे बनी चाय का 3 महीने तक सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसको ख़त्म करने में बहुत कारगर होते हैं और जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उस पर ये किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। तो अगर आप 3 महीने तक ये आयुर्वेद चाय फॉलो करते हैं तो 100% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अमरूद की पत्तियों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये आँखों के लिए एक वरदान होता है। आँखों की समस्त प्रॉब्लम के लिए ये एक रामबाण औषधि होती है। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो मोतियाबिंद से प्रभावी जो आँखें होती हैं उन उस रोग को भी ये कम करने में बहुत कारगर होती है और विटामिन सी की भरपूर मात्रा की वजह से आँखों की हर एक समस्या को दूर करने में अमरूद की पत्तियों का एक अहम रोल है। देखिए अमरूद के मैंने बहुत फ़ायदे आज आपके साथ शेयर किए हैं, अगर मैं इससे ज़्यादा आपके साथ शेयर करती हूँ तो मेरी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप देख नहीं पाएंगे। आज मैंने अमरूद की पत्तियों के काफ़ी सारे फ़ायदे बताए हैं, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं अमरूद की पत्तियों के और भी फ़ायदे आपको बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना है। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अमरूद की पत्तियों के वाकई में फ़ायदे अनेक हैं, एक पत्ती फ़ायदे अनेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेम।